कैन यू हियर मी? उर्वी दिखाई दे रही हूं मैं? Yes, type the answer, yes or no. Good morning all of you. Yes, अभी मैंने WhatsApp पे हमने पिछली उसमें chapter 8 housing and clothing के आपको मैंने exercise send करी थी और इसके साथ ही क्वेश्चन चैप्टर 7 का पूरा वर्क एक साथ सेंड किया था कि किसी बच्चे का अगर नहीं हुआ हो तो वो कंप्लीट कर ले। चैप्टर 8 की आपने बुक वाली एक्सरसाइज सबने कंप्लीट कर ली, बुक में ही जो बुक में दी थी करने को टेक द करेक्ट आंसर और ट्रू फॉल्स वो बुक में ही करना था, कॉपी में नहीं करना था। अब आज मैं सेंड करूंगी बाकी की एक्सरसाइजेस, फिल इन द ब्लैंक्स हुए या नेम देम हुए उस चैप्टर में, तो वो सब सेंड करूंगी। और अब हम इसके बाद आज स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर जो हमने छोड़ा हुआ था पहले, आवर बॉडी, चैप्टर 6 आवर बॉडी। तो ऑल ऑफ यू टेक आउट पेज नंबर 49। हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल आर्यन, गुड मॉर्निंग बेटा। पेज नंबर 49 निकाल लेना, आवर बॉडी। हाँ, ऑल हैव ओपन द पेज नंबर 49। यस, our chapter is chapter 6, our body. Look at a computer carefully. You will notice that it has different parts that work together to help it to function properly. आप अपने कंप्यूटर को ध्यान से देखो तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो वर्क करते हैं जिससे कि वो कंप्यूटर प्रॉपरली चलता है। या आप अपने मोबाइल ले लो तो मोबाइल में भी आपको बहुत सारे बटन्स ऑन करने पड़ते हैं जो आप चाहते हैं, गेम खेलना या अभी जो आप क्लास ले रहे हैं उसके लिए आपको जगह जगह क्लिक करना पड़ता है, तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसमें, तो तभी आपका जो है ये मोबाइल या कंप्यूटर चलता है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, जब वो एक साथ वर्क करते हैं तभी हमारा जो है बॉडी वर्क काम करता है और हेल्दी रहता है। तो ये हमारे आवर बॉडी का मतलब यही है, हमारा शरीर। नाउ सिमिलरली आवर बॉडी हैज डिफरेंट पार्ट दैट वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू हेल्प अस कैरी आउट वेरियस डेली एक्टिविटीज। इसी तरह से हमारा शरीर काम करता है, कोई तरह तरह की एक्टिविटीज करता है, पढ़ने की भी, खेलने की भी और खाना खाने की भी, कहीं जाने की भी। तो ये सारी एक्टिविटी जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके आपस में कोऑर्डिनेशन बैठाकर और ये वर्क करते हैं तभी हमारी बॉडी कोई एक्टिविटी करती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू प्ले एन आउटडोर गेम लाइक बैडमिंटन विथ योर फ्रेंड, योर हैंड्स, लेग, आईज, ब्रेन वर्क फंक्शन टुगेदर। तो एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे अगर आप बैडमिंटन खेलते हैं तो बैडमिंटन में आपके हैंड भी वर्क करेंगे, आपके लेग भी वर्क करेंगे, आपका ब्रेन भी वर्क करेगा कि हमको किस साइड शटल कॉक मारनी है जिससे कि पॉइंट्स मिले हमको। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट, और आईज भी वर्क करती है देखने के लिए, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स ने वर्क किया तभी हम बैडमिंटन खेल पाए। द ऑर्गन्स दैट परफॉर्म दिस फंक्शन आर सेम इन ऑल ऑफ अस। तो इस तरह के जो फंक्शन है, इस तरह के जो ऑर्गन्स है सारे, हैंड, लेग, आईज, ब्रेन, ये जो है सबके पास जो है सिमिलर होता है, सबके पास सिमिलर होता है, चाहे फिजिकल अपीयरेंस आपकी अलग अलग हो, शक्ल दिखने में अलग अलग हो, लेकिन ये सारे ऑर्गन सबके पास होते हैं, सबके एक जैसे होते हैं। द आउटर अपीयरेंस डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। चाहे आपकी फिजिकल अपीयरेंस मतलब बाहर से आपकी शक्ल चेंज हो सकती है, लेकिन जो बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं और वो सब के जो है सेम होते हैं और सेम तरीके से वर्क करते हैं। लेट्स लर्न मोर अबाउट आवर बॉडी। तो अब हम बॉडी के बारे में, हमारे शरीर के बारे में और भी पढ़ेंगे। नाउ सेल्स, सबसे पहले सेल्स, सेल्स से स्टार्ट होती है हमारी बॉडी, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी है। और सेल्स किस तरह के होते हैं? सेल्स ऐसे होते हैं,
छोटे 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 इस तरह के सेल्स मिलकर ये पूरी बॉडी बनाती है। ये हो गए हमारे सेल्स। सेल्स इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ विच ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड। जितनी भी लिविंग थिंग्स है सब सेल्स से मिलकर बनी होती है। आवर बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ न्यूमरस सेल। न्यूमरस मतलब बहुत सारे सेल्स से मिलकर हमारी बॉडी बनती है। देर आर वेरियस काइंड ऑफ सेल्स, दे डिफर इन शेप साइज एंड फंक्शन। अलग अलग सब तरह की शेप्स होती हैं सेल्स की, कुछ छोटे कुछ बड़े शेप में और फंक्शंस में सब अलग अलग होते हैं सेल्स। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा जोयश। सेल्स ऑफ द सेम साइज शेप एंड फंक्शन आर ग्रुप टूगेदर टू फॉर्म ए टिश्यू। जब ये सारे सेल्स एक साथ ये जुड़ते चले जाते हैं तो वो बन जाते हैं टिश्यू। मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू टूगेदर फॉर्म एन ऑर्गेन। और जब एक से ज्यादा टिश्यू जुड़ते चले जाते हैं तो वो बन जाता है एक ऑर्गेन, मतलब एक शरीर का एक पार्ट बन जाता है, हैंड बन जाता है, लेग बन जाता है, आईज बन जाती है, नोज बन जाती है। मैं पढ़ा रही हूँ चैप्टर 6 जोयश पेज नंबर 49 आवर बॉडी, जो हमने पहले छोड़ा हुआ था उसको स्टार्ट किया है मैंने आज। तो ये हो गया। तो सबसे पहले हमारी बॉडी बनती है सेल्स से मिलकर, खूब सारे सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यू, और टिश्यू बहुत सारे टिश्यू मिलकर बनते हैं एक ऑर्गेन। ऑर्गेन माने शरीर का एक अंग, जो चाहे हाथ ले लो, चाहे पैर ले लो, चाहे आपकी नोज ले लो, चाहे आपकी आईज ले लो, तो ये बहुत सारे टिश्यू से मिलकर एक ऑर्गेन बनता है। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है जो कि आपको इजिली समझ में आएगा। वी कैन कंपेयर अवर बॉडी विथ ए हाउस। अवर सेल्स आर लाइक ब्रिक, टिश्यूज आर लाइक वॉल, एंड ऑर्गेन्स आर लाइक रूम ऑफ द हाउस। अब एक ये एग्जाम्पल है, सबने ब्रिक देखी है, जब घर बनता है तो ईंटें देखी है सबने, तो वो जो ईंट होती है ब्रिक होती है, वो तो होती है एक सेल। और खूब सारी सेल, खूब सारी ब्रिक एक साथ लगा दे तो क्या बन जाती है, वॉल बन जाती है, दीवार बन जाती है। तो वो दीवार जो कहलाती है वो टिश्यू कहलाते हैं। और बहुत सारी दीवारों को खड़ा करके एक कमरा बन जाता है घर का। तो इस तरह से जो है एक ब्रिक को बोला है सेल, और वॉल दीवार है उसको बोला है टिश्यू। और जिस तरह से सारी चार दीवार मिलकर एक कमरा बनाती है, इसी तरह से टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गेन बनाते हैं। तो आपके आगे समझ में इन सब में अंतर, सबसे छोटा सेल्स होता है हमारे बॉडी में, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गेन बनाते हैं। अब आगे आगे पढ़ेंगे हम कि बहुत सारे ऑर्गेन्स मिलकर क्या बनाते हैं। तो अब चेंज योर पेज, पेज नंबर 50 50। तो 50 में टॉपिक है ऑर्गेन्स। जॉयश बेटा 50 पेज निकालो, ऑर्गेन्स पढ़ेंगे हम। एन ऑर्गेन परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल अवर इयर्स हेल्प अस टू हियर, अवर नोज हेल्प अस टू स्मेल, एंड अवर आईज हेल्प अस टू सी। तो अब ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स हैं, तो किस किस काम में आते हैं हमारे डिफरेंट। एक ऑर्गेन होता है आईज जो हमारे देखने के काम में आता है, एक ऑर्गेन होता है हमारा ईयर्स वो हमको हियर करने के काम में आता है, एक ऑर्गेन होता है हमारा नोज जो स्मेल करने के काम में आता है। तो इस तरह से जो है अलग अलग तरह के सारे ऑर्गेन्स जो है वो अलग अलग वर्क करते हैं। नाउ नेक्स्ट है ऑर्गेन सिस्टम। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड ऑर्गेन सिस्टम। अब ऑर्गेन सिस्टम क्या कहलाता है, ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम क्या कहलाता है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेन्स मिलकर, चार पांच छह ऑर्गेन्स मिलकर जो वर्क करते हैं, अपना एक फॉलो एक टास्क पूरा करते हैं, वो कहलाता है ऑर्गेन सिस्टम। अब जैसे ये एक ऊपर सारे ऑर्गेन्स बताए आपको, आईज बताइए, नोज बताइए, और ईयर बताए। अब ये आप देखना कि ऑर्गेन सिस्टम, अब ये ऑर्गेन सिस्टम हमारे इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारा खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है,
एक होता है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में हमारे पूरे शरीर का ढांचा आता है जिसमें बहुत सारी बोन्स ही बोन्स होती है, जो कि आपको पेज नंबर 50 पे नीचे बताया गया है। ये पूरा हड्डियों का ढांचा है, इसमें कितने पूरा बोन्स ही बोन्स है। तो ये एक सिस्टम होता है स्केलेटल सिस्टम। एक होता है मस्कुलर सिस्टम, जिसमें मसल्स सारी जो बोन के ऊपर मांस जो चढ़ा रहता है, खाल जो चढ़ी रहती है, उसको जो हम बोलते हैं मसल्स, तो वो मस्कुलर सिस्टम होता है। तो इस तरह से सारे अलग-अलग सिस्टम्स होते हैं जिसमें बहुत सारे ऑर्गेन्स एक साथ वर्क करते हैं। तो हम पढ़ेंगे अब ऑर्गेन। फॉर एग्जाम्पल माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, इंटेस्टाइन्स एंड एनस हेल्प अस टू ईट एंड डाइजेस्ट फूड। अब जैसे हम जो खाना खा रहे हैं और जो खाना हमारे डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, तो उसमें कौन कौन से ऑर्गेन्स वर्क करते हैं? खाना हमने खाया माउथ से, तो एक माउथ एक ऑर्गेन हो गया, मुंह एक ऑर्गेन हो गया। फिर माउथ से खाना गया यहाँ गले में, तो गले में हमारा एक फूड पाइप होता है, तो फूड पाइप एक ऑर्गेन हो गया। फूड पाइप से खाना गया हमारा स्टोमक में, पेट में गया, तो स्टोमक एक ऑर्गेन होता है। और फिर स्टोमक से वो गया इंटेस्टाइन में, स्टोमक से नीचे इंटेस्टाइन होती है, अभी आगे के आप डायग्राम में देखोगे, तो इंटेस्टाइन में जाता है खाना, इंटेस्टाइन में खाना डाइजेस्ट होता है, और फिर जो है जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, जो वेस्ट होता है, वो शरीर के बाहर वेस्ट के रूप में एनस के थ्रू निकल जाता है। तो ये एनस एक ऑर्गेन हो गया। तो ये सारे ऑर्गेन्स माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, इंटेस्टाइन, एनस, ये सब मिलकर जो बनाते हैं, ये बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, एक ऑर्गेन बनाते हैं ये। तो देयरफॉर दे फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इस कॉलम में देखो दिया भी है, एक ऑर्गेन माउथ, फिर फूड पाइप, फिर स्टोमक, फिर इंटेस्टाइन, फिर एनस। ये सारे ऑर्गेन्स ने जब एक साथ काम किया तो हमारा ये एक ऑर्गेन सिस्टम गया डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन बॉडी कंप्राइजेस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हमारी पूरी बॉडी ये सारे सिस्टम करती है, जब भी हम जो है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी कर पाते हैं, तो इसमें ये सारे आपके सिस्टम के नाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। अब हम एक एक सिस्टम के बारे में इसमें पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेन्स वर्क करते हैं। तो अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया था, उसका डिटेल में भी आगे भी है डाइजेस्टिव सिस्टम का, तब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ेंगे द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल का मतलब ये पूरा हमारा हड्डियों का ढांचा। द स्केलेटल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ बोन्स विच गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। तो स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है, पूरी खूब सारी बोन्स होती हैं जो हमारे शरीर को शेप देती हैं और सपोर्ट द बॉडी, और बॉडी को सपोर्ट करती हैं। अगर मान लो आपके शरीर में बोन्स नहीं हो तो आप क्या खाली खड़े हो पाएंगे या चल फिर पाएंगे? बोन्स ही ऐसी है जिसकी वजह से हम अपना हाथ ऊंचा कर सकते हैं। अगर बोन्स नहीं होंगी तो हम हाथ अपना ऊंचा नीचा कैसे कर पाएंगे, कैसे हम अपने लेग को आगे या पीछे कर पाएंगे और चल सकेंगे? तो ये बोन्स वर्क करती हैं, सपोर्ट करती हैं बॉडी को, इसलिए स्केलेटल सिस्टम में आती है पूरी बोन्स। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी। इंटरनल ऑर्गेन्स होता है हमारे सारे शरीर के अंदर के पार्ट्स। अभी बाहर का आपको ये सब दिखाई दे रहा है एक्सटर्नल, बाहर को एक्सटर्नल बोलते हैं, अंदर वाले को इंटरनल बोलते हैं। बाहर एक्सटर्नल पार्ट्स आपके हैं, आपको दिख रहा है, फिंगर्स भी दिख रही हैं, हाथ भी दिख रहा है, ये लिप्स भी दिख रहे हैं, नोज भी दिख रही है, आईज भी दिख रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे शरीर के अंदर इंटरनल ऑर्गेन्स भी होते हैं, जैसे हार्ट होता है हमारा, लंग्स होता है, किडनी होती है, इंटेस्टाइन होता है, स्टोमक होता है, ये हमारे शरीर के अंदर होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। तो ये बोन्स का क्या काम होता है, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गेन्स, जो हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गेन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनके ऊपर बाहर कवरिंग करे रहता है, जिससे हमारे ये वाले ऑर्गेन्स जो है बहुत ज्यादा डेलिकेट होते हैं, बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है हड्डी। द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन।
स्कल जो होता है, स्कल मीन्स होता है ये हमारा पूरा खोपड़ी जिसको बोलते हैं, फेस से लेकर ये पूरा सिर, ये सब मिलाकर होता है हमारा स्कल। जैसे ये इस ये एक स्केलेटल दिया है, हड्डी का ढांचा दिया है, तो उसमें आप फेस वाला पूरा हिस्सा देख लो, ऊपर जितना ये गर्दन से ऊपर का हिस्सा है ये कहलाता है स्कल। तो स्कल का क्या काम होता है, ये हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, हमारे दिमाग हमारा होता है यहाँ पर, ये पूरे पीछे की तरफ सिर में होता है, पीछे की तरफ ये पूरा हमारा ब्रेन होता है। तो स्कल क्या करता है, स्कल की जो हड्डियां होती है वो बोन हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। द रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स, और जो रिब्स होती है, रिब्स हमारे होती है यहाँ, या आप स्केलेटल सिस्टम में इस को देखो, हड्डी के ढांचे में जो ये आगे से घूमती हुई गोल गोल यहाँ पीछे की तरफ जा रही है, यहाँ पर ये होती है हमारे रिब्स, आगे से पीछे गोलाई में मुड़ रहे हैं वो कहलाते हैं हमारे रिब्स। और ये रिब्स किस चीज को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। द स्पाइन, और जिससे कि अगर मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हमारे केवल रिप्स हड्डी ही टूटे, हमारे लंग्स और हार्ट को कोई डैमेज ना हो, कोई उसको जो है हर्ट ना हो। द स्पाइन और द बैकबोन होल्ड अप द नेक एंड द हेड, और स्पाइन कहलाता है ये, आप देखो स्केलेटल सिस्टम में पूरा ऊपर से नीचे तक जो एक मोटा सा ऐसा ये नीचे तक जा रहा है जिससे गर्दन जुड़ी हुई है और नीचे तक, वो कहलाता है हमारा बैकबोन, और स्पाइन कहलाती है। स्पाइन अंदर की एक नर्व होती है और उसके ऊपर हड्डी होती है जिसको वर्टिब्रा बोलते हैं, तो उससे ये कवर रहती है स्पाइन। तो ये नेक और नेक से लेकर नेक और हेड जो है वो इस बैकबोन जो है उससे ही जुड़ी रहती है। इट ऑल्सो लिंक्स ऑल द बोन ऑफ द बॉडी, और इससे भी बहुत सारी बोन्स जो है वो जुड़ी रहती हैं, जैसे शोल्डर की हड्डी है, बोन्स है वो भी उसी से ही जुड़ी हुई है। तो इस तरह से ये सब जो है बैकबोन से जुड़ी रहती है काफी सारी हड्डी। तो टू और मोर बोन्स आर कनेक्टेड एट जॉइंट्स, और दो बोन्स जो है वो एक जॉइंट पे जाके जो है मिलती है। जॉइंट अलाउ अस टू ट्विस्ट और बेंड अवर बॉडी पार्ट्स, और ये जॉइंट हेल्प करते हैं हमारी किसी भी चीज को ट्विस्ट करने में, मोड़ने में, और जो है मोड़ने में। जैसे अब ये मेरे ये हैंड है, सब लोगों को दिखाई दे रहा है ना ठीक से, तब ये हैंड है, तो एक हड्डी मेरी यहाँ पर है, एक हड्डी यहाँ पर है, जॉइंट यहाँ पर है, जिसके कारण मैं हाथ ऐसे और ऐसे कर पा रही हूँ, यहाँ पर एक जॉइंट लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम जॉइंट। तो टू बोन्स जो है, टू या मोर बोन्स एक जॉइंट से जुड़ी रहती है, एक जगह पर मीट करती है, तो वो कहलाता है जॉइंट्स। तो अब हमारे स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हो गए, ऑर्गेन्स हो गए जिन्होंने वर्क किया, एक तो हमारी बोन्स ने, एक स्कल ने, और एक रिब्स ने, और एक बैकबोन, ये चार मिलकर जो है ये हमारा स्केलेटल सिस्टम बनाया इसने। तो मैं आपको अभी ये समझा देती हूँ। तो फर्स्ट सिस्टम हमारा था स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, इसमें कौन कौन से ऑर्गेन्स ने वर्क किया, एक तो करा बोन्स ने, हड्डियों ने, और एक करा स्कल जो खोपड़ी है हमारी जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है उसने, और एक करा रिब्स ने जो हमारे लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, और एक करा हमारा स्पाइनल बैकबोन जिससे सारी हड्डियां भी और रिब्स हमारे जुड़े हुए हैं, और नेक नेक और हमारा हेड भी जो है बैकबोन से जुड़ा हुआ है। आर्यन कहाँ पर ध्यान रखते हो, स्टार्टिंग से आप हो और मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने पेज नंबर 2 बार रिवाइज कर दिया और उसके बाद अब इतना पूरा चैप्टर कंप्लीट, ये टॉपिक कंप्लीट होने और आ रहा है, और अब आप पेज नंबर पूछ रहे हो। आप बोला था ना मैंने पेज नंबर 50, रोज तुम्हारी यही प्रॉब्लम है क्या, किस काम में बिजी रहते हो, खेल खेल करते हो क्या, चैटिंग करते हो क्या मोबाइल पर, जो ध्यान नहीं रखते हो कि मैं कौन सा पेज नंबर बोल रही हूँ आपको, जो सारा पढ़ा देती हूँ उसके बाद पूछते हो कि पेज नंबर कौन सा। तो ये सारे बॉन्स जब, ये सारे ऑर्गेन्स जब मिलेंगे तो हमारा बन जाएगा स्केलेटल सिस्टम। तो
ये सबको समझ में आ गया, और भी मानसी जॉयश समझ में आया आपको? समझ में आ गया? टाइप द आंसर। हाँ जॉयश का आ गया। तो अब ये ध्यान में रखना है कि स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेन्स हमारे वर्क करते हैं। हाँ यस, बोन्स माने सारी हड्डियां, स्कल, स्कल माने हमारी ये पूरी खोपड़ी जो हमारे ब्रेन्स को, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है, और रिप्स जो हमारे ये रिप्स यहाँ से लेकर यूं मुड़े हुए पीछे तक जाते हैं ऐसे, और पीछे जाके बोन से जुड़ जाते हैं, जो हमारी नेक है और यहाँ नीचे तक एक पूरी एक सीधी है जिसके कारण हम यूं झुक सकते हैं, वो कहलाती है बैक बोन। एक पीछे एक पूरी एक लंबी सी हड्डी हड्डी होती है, वो कहलाती है बैक बोन, और बैक बोन में ही हमारी जो ये गर्दन है वो जुड़ी रहती है, और हेड, ये पूरा हेड हमारा उसी से ही जुड़ा रहता है, और रिप्स जो है ये आगे से है, और ये पीछे जो है बैकबोन में जाके जुड़ जाते हैं, और ये रिप्स जो है हमारे इंटरनल ऑर्गेन्स मतलब अंदर जैसे जो हार्ट है, लंग्स है, स्टोमक है, इनको प्रोटेक्ट करता है, इनकी रक्षा करता है कि कोई एक्सीडेंट में ये इनको डायरेक्ट हर्ट ना हो, वो रिप्स तक ही जो है हमारे इंजरी हो, अंदर कोई इंजरी ना हो। और बैकबोन होती है जो पीछे की गर्दन से हमारे जुड़ी रहती है, और या नीचे तक रहती है, कमर तक रहती है, जिसके कारण हम चल फिर सकते हैं, जिसके कारण हम झुक सकते हैं। तो ये कहलाती है, कहलाता है स्केलेटल सिस्टम। अब नाउ नेक्स्ट सिस्टम है हमारा द मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे पेज नंबर 51। आर्यन आप सुन लिया आपने, पेज नंबर 51 निकालो। मस्कुलर सिस्टम ये सेकंड नंबर का सिस्टम है। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम, अब सेकंड नंबर है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम इसमें मसल्स, मसल्स मतलब जो आपने अगर देखा होगा कि आप कहीं गिर जाते हैं तो आपकी स्किन कभी निकल जाती है, एक अंदर का आपको पिंक कलर का स्किन आपको दिखाई देती है, तो वो जो पिंक कलर का मांस जैसा होता है वो कहलाती है मसल्स, जो बोन्स के ऊपर जो है चिपकी हुई रहती है। द मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मसल्स। द मेन फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम इज हेल्प, इज टू हेल्प द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। इस सिस्टम का, ये सिस्टम किस उसमें वर्क करता है, इसका क्या काम है मस्कुलर सिस्टम का? मूवमेंट, जो कुछ भी हम चल फिर रहे हैं, तो केवल एक हड्डी का ढांचा नहीं, इसके ऊपर एक स्किन भी चढ़ी हुई है, मांस भी चढ़ा हुआ है, मसल्स भी चढ़ी हुई है, तो वो मूवमेंट का काम करती है। फॉर दिस रीजन मसल्स आर कनेक्टेड टू द बोन्स, ये बोन्स से कनेक्ट रहती है। इन ऑर्डर टू मूव ए बॉडी पार्ट द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। अगर हम कोई अपने शरीर को मूव करना है, हमारी बॉडी को मूव करना है, तो ये मसल्स है, ये कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब टाइट होती है फिर लूज होती है, टाइट होती है फिर रिलैक्स करती है, इस तरह से ये मसल्स करती है। सम मसल्स मूव ऑन देयर ओन, वी हैव नो कंट्रोल ओवर देम। कुछ मसल्स ऐसी होती है जो अपने आप ही वर्क करती है, उसमें हमारे कंट्रोल की कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे हमारी हार्ट बीट है, तो हार्ट बीट है दिल का धड़कना, हार्ट जो हमारा धक 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 बोलता है, उसमें हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते हम उसे, वो नेचुरली वर्क करता रहता है। तो ये होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। द मूवमेंट ऑफ अदर कैन अदर्स कैन बी कंट्रोल बाय अस, और दूसरे जो कोई मूवमेंट होते हैं वो हमारे कंट्रोल में भी कंट्रोल में होते हैं। For example, the muscles that control the beating of heart move continuously on their own. जैसे heart के ऊपर की जो muscles है वो अपने अपने heart जो एक muscles है तो उसमें वो अपने आप ही work करती रहती है, heart यूं अपने आप ही pump करता रहता है, उस वो हमारे control में नहीं रहता। The muscles responsible for the movement of our hand move only when we want them to move. और हमारे जो हाथ में जो muscles है वो हमारे कंट्रोल में रहती है, हम जब चाहे अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं, जब चाहे हम नीचे कर सकते हैं, जब चाहे उसको हिला सकते हैं, जब चाहे रोक सकते हैं, तो ये हमारे कंट्रोल में रहता है। लेकिन कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जो अपने आप चलती हैं, जैसे हमारे हार्ट की मसल्स, जो हमारी ब्रीथिंग आ रही है, सांस आ रही है,
ये सांस लेना भी जो है हम हमारे कंट्रोल में नहीं है, अपने आप ही ये होता रहा होती रहती है ये सब मूवमेंट्स। तो ये होते हैं जो मूवमेंट हम नहीं रोक सकते, अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। अब इनको क्या बोलते हैं ये हम जो है अब आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। केवल आपको अभी इतना पढ़ना है कि कुछ मसल्स हमारे कंट्रोल में रहती है, कुछ मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती। और मस्कुलर सिस्टम में हम मसल्स के बारे में पढ़ते हैं केवल, और मसल्स होती हैं हमारे शरीर के मूवमेंट में हेल्प करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, टाइट होती हैं, लूज होती हैं, टाइट होती हैं, लूज होती हैं, इस तरह से जो है, और बॉडी से चिप बोन्स से जो है वो चिपकी हुई होती है। तो ये अभी आज हमने पढ़े केवल दो सिस्टम के बारे में, स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ, स्केलेटल सिस्टम में हमने पढ़ा और कौन से ऑर्गेन्स वर्क करते हैं स्केलेटल सिस्टम में, बोन्स, स्कल, रिब्स, बैकबोन। ये चार सिस्टम मिलकर, चार ऑर्गेन्स मिलकर और स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। और मस्कुलर सिस्टम में हम केवल मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबको समझ में आ गया? अब आज जो भी वर्क मैं दूंगी चैप्टर 8 का, पिछले चैप्टर का, उसको आप लोग कंप्लीट कर लेना। और एनी प्रॉब्लम नाउ, किसी को जो समझ में नहीं आया ये देख लो, यहाँ पर पिक्चर में भी देखो, पेज नंबर 51 में पहले तो ये बोन्स बताई थी, पेज नंबर 50 पे बोन्स ही बोन्स बताई थी, हड्डियों का ढांचा बताया था। अब इस हड्डी के ढांचे के ऊपर मसल्स चढ़ गए हैं, तो जो है ये हमारा शरीर इसी तरह का ही होता है, मसल्स चढ़ा हुआ, तो ये जो है शेप दे देता है बॉडी को, ये इसका अलग अलग बता देता है कि ये हैंड है, ये लेग के मसल्स है, ये हैंड के मसल्स है, और ये स्कल के मसल्स है, और ये हमारे जो है बोन से चिपकी हुई रहती है। तो नाउ ये आप एक बार और अपने आप से भी चैप्टर रीड करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, नाउ ज्वाइन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, गुड बाय।
All you are fine. Okay. So today we are going to study chapter number 18. Geographical surname. Geographical surname होता है भौगोलिक उपनाम. Geography होती है ना भूगोल. तो geographical, भौगोलिक और surnames होता है उपनाम. Geographical surname. S-U-R-N-A-M-E-S. Geographical surname. अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इनके नाम रीड कर रही हूँ. ऑल दी इंडियन सिटीज शो हियर हैव देयर ज्योग्राफिकल सरनेम. सभी भारतीय शहरों के उनके यहाँ भौगोलिक काल के उपनाम है. राइट दी करेक्ट नंबर इन दी बॉक्सेस टू मैच देम. और उन्हें मिलान करने के लिए बॉक्स में इनकी सही संख्या आपको लिखनी है. ठीक है, एक बार वापस रिपीटेड. ऑल दी इंडियन सिटीज शो हियर हैव देयर ज्योग्राफिकल सरनेम. राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्सेस टू मैच देम. सभी भारतीय शहरों के यहाँ पर भौगोलिक क्या है, उपनाम है. और उन्हें मिलान करने के लिए उनकी जो बॉक्स की बॉक्स में जो सही है संख्या वो हमें लिख नोट डाउन करनी है, लिखनी है. अब जैसे इसमें फर्स्ट है उदयपुर. तो उदयपुर है, उदयपुर का जो सरनेम है उसको क्या बोलते हैं. दूसरी नेम एक वाइट सिटी, WHIT वाइट, CIT वाइट सिटी. उदयपुर का सरनेम हो जाएगा वाइट सिटी. उदयपुर सबको पता है, उदयपुर झीलों की नगरी भी है और इसे पूर्व का वेनिस भी कहते हैं. उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहते हैं और पूर्व का वेनिस भी कहते हैं. नेक्स्ट है सेकंड नंबर सूरत. सूरत है, सूरत की जो निकनेम है सरनेम है डायमंड सिटी, DIAMOND डायमंड CITY सिटी. अगर आपसे पूछेंगे सूरत का निकनेम या सूरत का सरनेम क्या है, डायमंड सिटी, DIAMOND डायमंड CITY सिटी, डायमंड सिटी. सूरत आपने देखा होगा ये क्लोथ जो होती इंडस्ट्रीज होती है, कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग वहाँ पे फेमस है. उनकी पॉलिश भी की जाती है, उसके लिए क्या है ये फेमस है सूरत. सूरत किन किन चीज़ों के लिए फेमस है, एक तो सूती कपड़ा जो होता है वो, मतलब कपड़े की वहाँ पर मील वगैरह है, और डायमंड कटिंग पॉलिशिंग के लिए वो क्या है फेमस है. और सूरत है वो तापी नदी भी, मैंने आपको पहले भी जो पहले चैप्टर हमने किया था उसमें आपको बताया था कि जो तापी नदी है वो सूरत सदी, मतलब सूरत सिटी के बीच में होकर गुजरती है, बीच में से होकर गुजरती है. तापी नदी है वो सूरत सिटी के बीच में होकर गुजरती है. इसके अलावा इसे और क्या कहते हैं, सूरत सिटी को सिल्क सिटी भी कहते हैं, डायमंड सिटी भी कहते हैं. एक बार रिपीटेड फिर मैं एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ. सूरत का, सूरत को डायमंड सिटी भी कहते हैं. और सूरत किस किस के लिए फेमस है, कपड़ा उद्योग जो होता है, कपड़े की मील वगैरह, क्लोथ की मील वगैरह है वहाँ पर, और डायमंड कटिंग उनकी पॉलिशिंग के लिए भी फेमस है. तापी नदी सूरत सिटी के बीच में से होकर गुजरती है. तापी नदी है वो सूरत सिटी के बीच में होकर गुजरती है. इसे सिल्क सिटी या डायमंड सिटी भी कहते हैं. नेक्स्ट है थर्ड बेंगलुरु. ये इसका जो सरनेम है वो है सिलिकन वैली ऑफ इंडिया, SILICON VALLEY OF INDIA. ये इंडिया सिलिकन सिटी ऑफ वैली ऑफ इंडिया, ये बेंगलुरु का सरनेम है. इसके अलावा है जयपुर. जयपुर के बारे में तो हम जानते ही हैं, यहाँ पर बहुत सारे फोर्ट वगैरह भी हैं और जयपुर को हम
गुलाबी नगरी भी कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं ना जयपुर की, जयपुर को पिंक सिटी आपने देखा होगा, ज्यादातर पेंट वगैरह जो भी किया हुआ होता है वो जो उसमें फोर्ट वगैरह में किया हुआ होता है या किसी भी उसपे किया होता है तो ज्यादातर पिंक कलर का ही होता है ना। तो जयपुर को हम पिंक सिटी भी कहते हैं, हिंदी में गुलाबी नगरी कहते हैं, और जयपुर में क्या है बहुत सारे फोर्ट वगैरह है ना। इसके अलावा है नेक्स्ट नंबर है 5 नंबर नागपुर। नागपुर की फेमस है ऑरेंज, संतरा होती है नागपुर के, फेमस है ऑरेंजेस, वहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं ये, इसकी खेती बहुत ज्यादा होती है, बहुत सारे ट्री हैं वहाँ पर। तो नागपुर की सिटी ऑफ ऑरेंजेस, इसका सरनेम हो जाएगा नागपुर का। दूसरा और किस नाम से बोलते हैं इसको, सिटी ऑफ ऑरेंजेस किसे बोलते हैं, नागपुर को बोलते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर अमृतसर। अमृतसर अमृतसर में क्या है, फेमस टेंपल है, गोल्डन टेंपल है, तो सिटी ऑफ गोल्डन टेंपल, अमृतसर का सरनेम क्या हो जाएगा, सिटी ऑफ गोल्डन टेंपल हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर कोलकाता। कोलकाता को क्या बोलेंगे, इसका जो सरनेम हो जाएगा वो बोलेंगे सिटी ऑफ प्लेसेस। मैं आपको बोर्ड पे भी करवाऊंगी, इनकी स्पेलिंग्स वगैरह लिखवाऊंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। कोलकाता को हम बोलेंगे सिटी ऑफ प्लेसेस, इनका इसका सरनेम हो जाएगा कोलकाता का, दूसरा नाम जिसे कहेंगे सिटी ऑफ प्लेसेस। नेक्स्ट है 8 नंबर मदुरई। मदुरई को वहां पर बहुत सारे फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं मदुरई में, इसलिए इसको सिटी ऑफ फेस्टिवल्स बोल देते हैं कि वहां पर बहुत सारे त्योहार आदि मनाए जाते हैं, इसलिए मदुरई क्या है, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स। नेक्स्ट है 9 नंबर मुंबई। मुंबई है हॉलीवुड ऑफ इंडिया। मुंबई में आपको पता है ये पिक्चर्स वगैरह की शूटिंग वगैरह बहुत होती है और एक्टर्स वगैरह भी रहते हैं वहां पर, तो हॉलीवुड ऑफ इंडिया। मुंबई को क्या कहेंगे हम, उसका सरनेम क्या हो जाएगा, हॉलीवुड ऑफ इंडिया। इसके अलावा 10 नंबर है शिलोंग। लास्ट है शिलोंग, इसको इसका सरनेम हो जाएगा, निकनेम जो भी कहेंगे हम, स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। शिलोंग का हो जाएगा स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट, ये इसका क्या हो गया, सरनेम हो गया। अब हम इसे कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ, कॉपी में इसे कैसे करना है। देखो कॉपी में हम सबसे फर्स्ट तो हमको आज की डेट मेंशन करनी है 31, फिर उसके बाद में हमको चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर का नेम हो जाएगा ज्योग्राफिकल सरनेम। अब हमें कैसे करना है इसे, सबसे क्वेश्चन नंबर लिखेंगे हम मैच दी फॉलोइंग, MTS मैच दी फॉलोइंग, FOLLOWING फॉलोइंग, मैच दी फॉलोइंग, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें करना है, सबसे पहले हमको सिटी का नेम लिखना है, फिर उसका सरनेम लिखना है। इस साइड हम लिखेंगे सिटी के नेम और इस साइड हम लिखेंगे उनके सरनेम। अब जैसे उदयपुर है, उदयपुर फर्स्ट नंबर डालेंगे हम, उदयपुर, उदयपुर के सामने है व्हाइट सिटी, उदयपुर के सामने क्या हो जाएगा, व्हाइट सिटी, उसका निकनेम है ये, सरनेम है व्हाइट सिटी। नेक्स्ट सेकंड है सूरत, SURET सूरत। सूरत के बीच में से तापी नदी होकर बहती है और ये डायमंड्स के लिए और जो कॉटन है सूती वस्त्र के लिए वहां पर बहुत सारी फेमस है, वहां पर मिल वगैरह है, तो सूरत हो जाएगा डायमंड सिटी, डायमंड सिटी। सूरत किसके लिए फेमस हो जाएगा, डायमंड सिटी। आप
लिसन केयरफुली, आप अच्छे से सुनेंगे तो आपको अच्छे से लर्न भी हो जाएगा हैंड टू हैंड। आप बोर्ड पे देखेंगे और मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, साथ में बोल भी रही हूँ स्पेलिंग्स वगैरह भी, तो आप सुनेंगे तो आपको लर्न भी हो जाएगी स्पेलिंग्स वगैरह। इसके अलावा है थर्ड नंबर, बैंक, बेंगलुरु, BEN GA LURU, बेंगलुरु, है ना। बेंगलुरु को हम, इनका सरनेम हो जाएगा सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, SILICON, सिलिकॉन वैली, नीचे लिख रही हूँ, यहाँ पर स्पेस नहीं है, वैली ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, बेंगलुरु है, बेंगलुरु का निकनेम सरनेम हो जाएगा सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। इसके बाद है फोर नंबर, जयपुर, जयपुर को पता ही है, हम सब लोगों को पता है जयपुर को, जयपुर का सरनेम क्या है, जयपुर को और दूसरे अदर नेम से, किस नेम से बोलते हैं, पिंक सिटी, जयपुर को किससे बोलते हैं, पिंक सिटी, गुलाबी नगरी। ये हो गया जयपुर का पिंक सिटी। अब उसके बाद है फाइव नंबर है नागपुर, फाइव नंबर हो जाएगा हमारा नागपुर, NAG NAGPUR, नागपुर। नागपुर को हम क्या बोलेंगे, इसका सरनेम हो जाएगा सिटी ऑफ ऑरेंजेस, ऑरेंज होती है संतरा, सिटी ऑफ ऑरेंजेस, ORANGES, ऑरेंजेस। एक बार फिर से एक्सप्लेन करें, फिर मुझे यहाँ से रब करना होगा, फिर नेक्स्ट लिखूंगी। उदयपुर, उदयपुर का सरनेम हो जाएगा व्हाइट सिटी, देन सेकेंड है सूरत, सूरत का हो जाएगा सरनेम डायमंड सिटी। के अलावा बेंगलुरु है, बेंगलुरु का हो जाएगा सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। इसके अलावा फिर जयपुर है, जयपुर का सबको पता है पिंक सिटी, गुलाबी नगरी जिसे कहते हैं। इसके अलावा नागपुर, नागपुर को क्या बोलेंगे, सिटी ऑफ ऑरेंजेस, क्योंकि वहां पर बहुत सारी वहां पर फार्म हाउस है, वहां पर ऑरेंज की खेती होती है, तो सिटी ऑफ ऑरेंजेस वहां पर फेमस है ऑरेंज, इसलिए ये सब हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम, ऊपर से करूंगी मैं, ये मुझे रफ करना होगा। और आपको रेगुलर वर्क करना है, जैसे जैसे मैम देती हैं वैसे वैसे आपको डेली करना है वर्क, आपको वर्क अपना पेंडिंग नहीं रखना है, डेली वर्क करना है। नेक्स्ट है सिक्स नंबर, सिक्स नंबर है अमृतसर, ऊपर लिख रही हूँ, यहाँ पर हमें स्पेस नहीं है, सिक्स नंबर अमृतसर, अमृतसर, अमृतसर का निक वो हो जाएगा सिटी ऑफ गोल्डन टेंपल, सिटी ऑफ गोल्डन, GOLDEN गोल्डन टेंपल, नीचे लिख रही हूँ मैं, TEMPLE टेम्पल, अमृतसर का हो जाएगा सरनेम सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल। अब नेक्स्ट लिखूंगी मैं यहाँ सूरत वाला रब करके, सूरत सेवन नंबर, सेवन नंबर है कोलकाता, कोलकाता का कौन सा है सरनेम हो जाएगा सिटी ऑफ प्लेसेस, सेवन नंबर कोलकाता, सिटी ऑफ प्लेसेस, कोलकाता का सरनेम हो जाएगा सिटी ऑफ प्लेसेस। नेक्स्ट है
मदुरई। एट नंबर मदुरई, MADURAI। सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, क्योंकि वहां पर बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, वहां पर मनाए जाते हैं त्योहार, तो इसका नाम रख दिया इसका सरनेम सिटी ऑफ फेस्टिवल, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, FESTIVALS, फेस्टिवल। मदुरई का हो गया सिटी ऑफ फेस्टिवल्स। अब देन नेक्स्ट है 9 नंबर मुंबई। मुंबई का हो जाएगा हॉलीवुड ऑफ इंडिया। 9 नंबर वहां पे बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह की शूटिंग होती है और वहां पर एक्टर्स वगैरह भी रहते हैं, तो उसका इस शहर का नाम रख दिया हॉलीवुड ऑफ इंडिया, मुंबई। 9 नंबर मुंबई, MUMBAI, मुंबई। मुंबई का हो जाएगा हॉलीवुड ऑफ इंडिया। हॉलीवुड ऑफ इंडिया, ये हो गया मुंबई का। इसके अलावा नेक्स्ट एंड लास्ट है शिलोंग। नेक्स्ट एंड लास्ट है 10 नंबर हमारा शिलोंग, SHILLONG, शिलोंग। शिलोंग का हमें सरनेम क्या हो जाएगा, स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट, SCOT, स्कॉट, LAND, लैंड, स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट, ऑफ द ईस्ट, EAST, ईस्ट, स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। शिलोंग है, शिलोंग का सरनेम हो जाएगा स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। अब इसके अलावा ये तो हमारे थे, इसमें पिक्चर्स भी दी हुई है ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे। इसके अलावा हमें डिड यू नो है, डिड यू नो में कुछ एक्स्ट्रा ज्योग्राफी का सरनेम दिए हुए हैं, तो मैं आपको एक बार रीड भी करती हूँ और उस पर भी करवाती हूँ बोर्ड पे। ज्योग्राफिकल सरनेम्स ऑफ इंडिया, आसाम। आसाम किसके लिए फेमस है, वहां पर टी गार्डन है, टी गार्डन ऑफ इंडिया, आसाम में टी गार्डन ऑफ इंडिया, ये इसका सरनेम है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में लैंड ऑफ सनराइज है ना, अरुणाचल प्रदेश का जो सरनेम हो जाएगा उसको दूसरे किस नाम से बोलते हैं हम, लैंड ऑफ सनराइज। इसके अलावा नेक्स्ट है हरियाणा, हरियाणा को मिल्क पेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, हरियाणा को दूसरा और क्या नाम है, मिल्क पेल ऑफ इंडिया। इसके बाद है नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में सबको पता है हिमालय के उधर है, और वहां पर किसकी सबसे ज्यादा फार्म हाउस वगैरह हैं, एप्पल की ट्रीज वगैरह बहुत ज्यादा है वहां पर ये, और हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा वहां पर क्या है, एप्पल स्टोर। गोवा, गोवा क्या है, पर्ल ऑफ द ओरिएंट, पर्ल ऑफ द ओरिएंट वहां पर क्या होता है, और वहां पर ये जो ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, ये मोती वगैरह होते हैं, वहां समुद्री है पूरा, तो वहां पर अधिक से अधिक संख्या में मिलते हैं। केरला, केरला हो जाएगा स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, केरला का हो जाएगा स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है
पंजाब, पंजाब का होगा ग्रेनरी ऑफ इंडिया। पंजाब का क्या हो जाएगा, सरनेम या निकनेम जो भी बोलेंगे हम उसको, किस नाम से बोलते हैं दूसरे, ग्रेनरी ऑफ इंडिया। यस बेटा, समझ में आ रहा है? आर्यन, जोएश, मानसी, समझ में आ रहा है बेटा? ये आपको कैसे करना है कॉपी में वो मैंने आपको बताया है। आपको जैसे मैं बोर्ड पे कर रही हूँ वैसे ही आपको कॉपी में करना है इसको। यस, अब इसके बाद मैं आपको अब कॉपी में कैसे करते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल बता देती हूँ। ये आपको जो डिड यू नो है, अगर आपके पास बुक है तो बुक में तो दिए हुए हैं, तो आपको कॉपी में करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कॉपी में जो पिक्चर्स वाले हैं वो देख के करने हैं, अदरवाइज बाकी लर्न तो आपको डिड यू नो वाले भी करने हैं। ये नहीं कि उनको लर्न नहीं करने, लर्न तो वो भी करने हैं आपको। अब मैं ये ज्योग्राफी का सरनेम्स ऑफ सम इंडियन स्टेट, अब जैसे आसाम, ये एक्स्ट्रा है, फिर बता रही हूँ मैं आपको, ये आपको कॉपी में नहीं करने हैं। कॉपी में जो मैंने आपको पहले करवाए हैं वही आपको कॉपी में करने हैं। अब है आसाम टी गार्डन ऑफ इंडिया। टी गार्डन ऑफ इंडिया ये आसाम है, आसाम का जो सरनेम हो गया, वहां पर भी सी चाय की पत्ती के बहुत सारे गार्डन है ना, इसलिए इसको टी गार्डन ऑफ। चाय चाय बनाते हैं, चाय वगैरह जो उसे पी कहते हैं, उसकी गार्डन वगैरह वहां पर काफी है, इसलिए इसे आसाम का जो सरनेम हो गया टी गार्डन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है सेकंड नंबर अरुणाचल प्रदेश। अगर आपने बुक परचेज नहीं किया है तो बेटा बुक परचेज कर लेना, क्योंकि बुक में भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं, तो आपको लर्न करने में आसानी। अरुणाचल प्रदेश, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में जब मैं करवाती हूँ बोर्ड पे तो आप लिख सकते हैं, बुक में भी आपको फिल करना होता है। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अब इसका जो सरनेम हो जाएगा वो लैंड ऑफ सनराइज। लैंड ऑफ नेक्स्ट है हरियाणा, थर्ड नंबर। हरियाणा का सरनेम हो जाएगा मिल्क पेल ऑफ इंडिया, मिल्क पेल ऑफ। वहां पर मिल्क बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वहां पर जो एनिमल्स वगैरह काउ बफेलोज वगैरह ज्यादा है वहां पर, तो वहां पर मिल्क प्रोडक्ट वगैरह ज्यादा मिलते हैं, तो मिल्क तेल ऑफ इंडिया। इसके बाद है नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के लिए एप्पल स्टोर भी है। एप्पल के बहुत सारे ट्रीज वगैरह हैं वहाँ पर, बहुत ज्यादा मिलती है एप्पल, तो ऐसे हिमाचल प्रदेश का क्या हो जाएगा सर ने एप्पल स्टोर। एंड लास्ट है और भी है लेकिन टाइम तो नहीं, गोवा, गोवा में है पर्ल ऑफ द ऑरियन
फाइव नंबर, फोर उठ गया, फाइव नंबर है हमारा गोवा। गोवा का हो जाएगा पर ऑफ दी ऑर्डर। गोवा का हो जाएगा। इसके बाद है केरला स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, केरला स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। मसाले वगैरह की तरह काफी गार्डन है वहां पर, केरला का जगह स्पाइस गार्डन ऑफ। नेक्स्ट है एंड लास्ट है पंजाब। ये मैंने एक्स्ट्रा में डिग्री नौ में जो दिए हैं वो भी मैंने आपको बोर्ड पे कर दूंगी। कॉपी में आपको सिर्फ पहले वाले ही करने हैं, ये एक्स्ट्रा वाले नहीं करने हैं। एक्स्ट्रा वाले आपको जितने से लर्न करने हैं सिर्फ। पंजाब पंजाब है, पंजाब का क्या हो जाएगा, ग्रीन ट्री ऑफ इंडिया। ये हो गया आपका पंजाब का लास्ट, ग्रीन ट्री ऑफ इंडिया। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा भी करा दिए हैं, फिर एक बार मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ, बता देती हूँ कैसे करना है। आज की डेट मेंशन कर दी है एंड देन चैप्टर नंबर, फिर नेक्स्ट लाइन में चैप्टर नेम, ज्योग्राफिकल सरनेम्स, फिर आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है मैथ्स क्वेश्चन नंबर 1 बार के मैथ्स की फॉलोइंग। फिर आपको लिखना है जैसे उदयपुर फर्स्ट नंबर पे, उदयपुर, सूरत, बेंगलुरु, जयपुर, ऐसे टोटल सारे लिखने हैं 10। फिर इसके पास में आपको लिखना है उनके सरनेम्स हैं, क्या क्या फेमस है वहाँ पर, के कौन से दूसरे नाम से बोलते हैं उसको। जैसे उदयपुर है, उदयपुर इस साइड में लिखेंगे व्हाइट सिटी, मैं आपको 2 टाइम्स एक्सप्लेन करूंगी। इस साइड आपको लिखना है व्हाइट सिटी, डायमंड सिटी, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, पिंक सिटी, सिटी ऑफ ऑरेंजेस, ये सब आपको सेट। ओके समझ में आ रहा है बेटा? यस ओके। अगेन गुड आफ्टरनून।